सो अगैन वेलकम इन माई इंग्लिस क्लास वो लेट स्टार्ट चैप्टर थर्टीन क्वेश्चन आंसर्स ओके एंड योर वर्ड मीनिंग एज यू नो दैट इन लास्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन दिस चैप्टर इफ यू हेव नॉट सी दिस चैप्टर आई विल सेंड यू अगैन एंड यू हैव टू वॉच दिस वीडियो प्रॉपर्ली एंड कंप्लीट द बुक ओके बिकॉज आई कैन गिव एनी थिंग फ्रॉम द बुक ओके बुक जो एक्सप्लेन कराती हूँ उसमें से कुछ भी हो सकता है आपका एग्जाम में ओके सो बी रेडी फॉर वॉचिंग डैट ओके एंड नाउ लेट स्टार्ट दिस वन पहले आप वो देखेंगे इसके बाद ही देखेंगे पहले आपको एक्सप्लेशन देखना जरूरी है उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर करेंगे अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए अगर देख लीजिए देख लिया है आपने वो वाला तो सीधे अलावा करिए ठीक है कॉपी निकालिए प्रॉपरली और नोट डाउन करिए यहाँ पर डेट mention करिए ओके चैप्टर नेम write करेंगे प्रॉपर्ली बहुत नीट एंड क्लिनली ओके ओके स्टार्ट वर्ड करते हैं वर्ड मीनिंग फ़र्स्ट वर्ड है हमारा अ कम्युनिटी ऑफ पीपल मतलब ऐसा कम्युनिटी ऑफ पीपल जो थोड़ी हो शहर से कम हो उसको बोलते हैं ब्लेज ओके नेक्स्ट नेक्स्ट होता है हिल्स हिल्स क्या होता है हिल्स uh, होती हैं रेज एरिया ऑफ लैंड लैंड है ठीक है लैंड का एक एरिया उठा हुआ हो ठीक है तो वो हो गया हमारा हिल अगर इससे ऊंचा उठा होता है उसे बोलते हैं माउंटेन बट हिल्स क्या होते हैं हिल्स होती हैं जो माउंटेन से छोटी छोटी होती हैं ठीक है थीके? नेक्स्ट ब्रेड क्या होता है बेक्ड फूड फ्लॉर मेड ऑफ फ्लावर जो फ्लावर होता है आटे का होता है उससे बना हुआ फूड होता है उसको बोलते हैं ब्रेड हे क्या होता है ड्राइड ग्रास सूखी हुई घास होती जो है जो जानवर खाते हैं उसको बोलते हैं हे मतलब चारा रोल का मतलब क्या होता है नंबर फाइबर रोल टू मूव बाय टर्निंग ओवर जैसे आप खेल रहे हैं तो रोल हो गए फिर रोल हो गए फिर रोल हो गए रोल हो रो गए तो वही क्या है प्ले क्या हो गया सॉरी टू एंगेज इन अ प्लेफुल एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी में आपको एंगेज होना बिजी होना जो ऐसी हो ना मतलब जिसमें खेल रहे हैं मतलब मस्ती हो रही है आपको मजा आ रहा है उसको बोलते हैं प्ले ठीक है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आप जैसे मैं डालती हूँ ऐसे आपको डालनी है हेडिंग्स आप चाहें तो हेडिंग्स को ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं कोई कलर लेके आप इसे कर सकते हैं है ना अच्छा लगता है कॉपी में ऐसे क्वेश्चन नंबर वन हु इज द आई एंड इन द पोएम पोएम में आई कौन है आई इज अ चाइल्ड इन द पोएम आई है वो चाइल्ड है पोयम में ठीक है अब आप सोच रहे कि हम आई के हाथ तो इसे एम लगाते हैं या बॉस लगाते हैं इस तो कभी लगाते नहीं है अब ये समझ आइए यहाँ पर हम आई सब्जेक्ट आई हम कैसे यूज़ कर रहे हैं आई हम मान रहे हैं कि आई हमारे यहाँ पर प्रोनाउन नहीं है हमने इसको आई को माना है किसी का नाम आई है हमने मान लिया किसी का नाम आई है सपोज किसी का नाम श्याम है किसी का नाम राम नाम है तो ऐसे ही किसी का नाम राम होता है तो हम बोलते हैं राम इज़ अ गुड बॉय ठीक है सॉरी ऐसे ही किसी का नाम आई है ठीक है किसी का नाम आई है तो उस हिसाब से हमने लगाया कि आई भी पूछ रहे हैं कि आई कौन है इसमें तो आई एक चाइल्ड है ठीक है एक आई के बारे में बात हो रहा है वो आई एक चाइल्ड है इसमें हम वाला हम नहीं लगा रहे हैं जो आप समझ रहे हैं ठीक है इसलिए बहुत ही करेक्टली सोच समझ के किया है हमने ये काम वेयर वॉज द मैन गोइंग जो मैन था वो कहाँ जा रहा था द मैन वॉज गोइंग डाउन टू द हिल टू गेट सम हे नहीं डाउन कहा जा रहा था वहाँ से ब्रेड लेने जा रहा था the man was going down to the village to get some bread okay now question number 3 When why didn't the child go with the horse? Horse के साथ क्यों नहीं गया? The child did not go with the horse as he was going down to the place to get some hay. Because hmm. जो घोड़ा था वो नीचे जा रहा था अपने लिए हे लेने के लिए अपने लिए चारा लेने के लिए अपने लिए सूखी सूखी घास लेने के लिए जिससे वो उसे खाए और उसका पेट भर जाए ओके नेक्स्ट वाई डिड द चाइल्ड गो विद द पपी पपी के साथ क्यों गया द चाइल्ड बैंड द बैंड विद द पपी एज इट वॉज गोइंग अप हिल टू रे रोल एंड प्ले बिकॉज बुला रहा था हिल पे खेलने के लिए रोल करने के लिए मस्ती करने के लिए तो चाइल्ड भी उसके साथ चला गया हिल पे सो so, ये आपका क्वेश्चन आंसर वक्त था आई होप आपको समझ में आया होगा सो so, फट से करिए इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे हम मंडे में हम मंडे में हम पूरा फोर्टीन चैप्टर पूरा कंप्लीट करा देंगे क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करा देंगे उसके बाद हम लोग थोड़ा ग्रामर का काम कराएंगे ठीक है टू एंड थ्री चैप्टर्स का भी करा देंगे ओके बाय बाय एंड टेक केयर